सब भाई के प्रणाम बा। सौरभ ईश्वर के देखो तनी कि अन्याय हो रहा बा हमारा साथे। एगो कंपनी बा RCM रातुए लाइव आके हम बोलले रही, मुझसे गलत भी निकालले रही। का करें जब इंसान तरक्की की ओर बढ़े लागेला तो बहुत कोई टांग खींचे वाला हो जाला। वही में एगो कंपनी बा RCM। अब देखा था कि मार्केट से अब हम खत्म होकर नहीं, मार्केट से हमारी होकर था तो जबरदस्ती के एक हमारा साथ वो गलत करा था। हम वीडियो चढ़ेले रही इसे पहले को सैड सॉन्ग रहे मिठू है धनंजय के, तो वो मिठू है धनंजय के वीडियो MP3 वीडियो रहे MP3 चौराहनी स्ट्राइक ने मारलक, वीडियो चौराहनी व्यूअर बढ़े लागल, अपने लोग इनके प्यार दुलार मिलल, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़े लागल, तो हमारा चैनल के स्ट्राइक मार दिलक। का कि सिंपल बात बा कि सब लाइन में ये होखेला कि हम किसी को आगे नहीं होने देंगे, हम खुद आगे हैं। बार बार हमारा धमकी कि मेरा एग्रीमेंट सिंगर है, मेरा ये सिंगर है, मेरा वो सिंगर है, 50 तरह के बात दबाव देके, लेकिन दोनों सिंगर लोग बजाते अपने मन से। हमारा कंपनी ला लोग गाना गले रहे, शूटिंग कैले रहे, फिर भी एगो हमनी के तो गरीब घर के आदमी, गरीब घर के लड़का, हमनी के ये बात कि हमनी के पब्लिक के बीच कुछ करी, पब्लिक के दिल में रही, पब्लिक के प्यार हमनी के मिलो, जबरदस्ती डरवा के धमका के एग्रीमेंट है, लाइफ बर्बाद कर दूंगा, ये वो 50 तरह का बात उन्होंने मिठू को धनंजय को बुलाया किया। बार बार धमकी देते हैं कि मेरा एग्रीमेंटेड सिंगर है। 50 तरह का बात वो करते हैं जो RCM कंपनी के मालिक हैं राकेश जी। कल हम गाली भी दिए थे, गुस्सा आया था क्योंकि जब उनकी कंपनी का भी गाना एक भी नहीं बज रहा है और मेरा गाना उठा उठा के अपने कंपनी पे रिलीज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा सिंगर है। और भाई मैंने सारे गाने का वीडियो बना के रखा है। बस मुझे डर इसी चीज़ का है कि मैं जब भी गाना चढ़ा रहा हूँ तब वो स्ट्राइक मार दे रहा है और मेरे चैनल के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं राकेश जी, और उनको गाना अब नहीं मिल रहा है। और आज के बाद आपको जो भी गाना मिठू और धनंजय का सुन रहे हैं सब पुराना गाना है। अब दोनों भाई का गाना मेरे कंपनी से आएगा SS फिल्म मोतिहारी से। इसी से उनका ये हो रहा है कि आखिर ये क्यों मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और एक चीज़ और है कि हाँ, कहने का मतलब है कि देखिए कोई भी चीज़ है जबरदस्ती लोग से अश्लील गाना गवाते हैं, बोलते हैं कि तुमसे कौन ये करेगा वो करेगा, और आज के डेट में कमाने के लिए RCM रहे हैं लेकिन बदनाम सिंगर हो रहा है एडल्ट गाना गवा के, फालतू का गाना गवाते हैं जबरदस्ती कि गाना दो। अब बोलते हैं मेरा एग्रीमेंट है, बोलते हैं मिठू को पेपर मिठू को बोलते हैं कि मेरा एग्रीमेंट है, तो भैया एग्रीमेंट में यही होता है कि जब किसी सिंगर को एग्रीमेंट कीजिएगा तो उसको कुछ पैसा दिया, सौरभ क्या बोलते हैं कि कुछ पैसा दिया जाता है। लेकिन आज तक गुड मॉर्निंग बिरजू भवाली, आज तक एक भी रुपया नहीं दिए हैं और दोनों के दम पे दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे हैं और इन लोग को डरवा के धमका के रखते हैं। मेरे घर पे नोटिस भिजवा दिए, मैंने गाना रिलीज किया था, बोलते हैं कि तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा चैनल उड़वा देंगे बहुत तरह। अभी भी मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारे हुए हैं, हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा सिंगर है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, क्या कि हम जानते हैं कि आप लोग का प्यार दुलार मिले तो आज अगर उसका 33 लाख सब्सक्राइबर है तो आप ही लोग का प्यार और दुलार है। और कुछ नहीं, बस आप लोग का प्यार है तो अगर मेरे चैनल को बर्बाद भी कर देंगे तो आप ही लोग फिर मेरे चैनल को उठाइएगा, क्योंकि हम आपको अच्छा देंगे। मैंने उस दिन लाइव आके मिठू मार्शल और धनंजय धड़कन से बुलवाया था कि मैं अश्लील गाने नहीं गाऊंगा, तो वो लोग का गाना मैं वो लोग खुद गाना अब नहीं गा रहे हैं। इस विवाद को लेकर आप लोग को सुनने को नहीं मिल रहा और पुराने पुराने गाने
अपने चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए पुराने पुराने वीडियो को एक साथ ऐड करके पुराने वीडियो पे दूसरा दूसरा पुराना गाना लगा के रिलीज कर रहे हैं। और राकेश जी का सबसे बुरा आदत है, स्ट्राइक मारते मार देते हैं, अपने आप को खुद को बहुत बड़ा ताकतवर समझते हैं। तो हम राकेश जी को कहते हैं कि राकेश जी देखिए, जब दम हो ना दम, तो खुल के बिरजू बवाली भैया कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ भाई, तो हम सीधे कहते हैं कि मैदान में अगर जंग आपको लड़ना ही है तो सामने सामने बैठिए, आप अपना दम लगाइए, हम अपना दम लगाते हैं। आपके पास 500 सिंगर, आप गवाइए, मेरा 2 सिंगर है ना गाएगा। और आप जो बार 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 कहते हैं कि हई हऊ मेरा एग्रीमेंट सिंगर है, तो क्या रात भर वो लड़का खटखट के स्टूडियो में गाता है, RCM खटखट के गाता है, गाना लिखवाता है, व्यू होता है तो पैसा आप कमाते हैं, उसको 2000 रुपया भेज देते हैं और उसको बेटी बहन करते हैं, गाली देते हैं आप, सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप धमकी दिए कि करियर बर्बाद कर देंगे, उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। किसी हद में आपका बक्साइज नहीं है, गलत हम लोग नहीं है भैया, आप उस पर केस कीजिए ना। तो आपको वो गाना यूट्यूब से चुरा के डाल रहे हैं, आपका मेहनत बेकार गया ना, रिलीजिंग डेट पहले यूट्यूब पे आपका होगा ना, आप केस कीजिए जरूर भाई, जरूर केस होगा। अगर वो पैसा वाले हैं तो हम लोग गरीब हैं तो हम लोग के साथ प्यार है पब्लिक का, अब बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देखेंगे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध है, गुड मॉर्निंग भाई गुड्डू बावाली मोतिहारी, मॉर्निंग काल बा गुड्डू बावाली। तो सीधे कहेंगे मतलब है कि भैया अब RCM से ना मीठू के गाना सुनने को मिली ना धनंजय के, जे हमनी ला करी हम ही नहीं की कहत कि हमरे कंपनी से आई, जे हमनी के फ्यूचर के बारे में सोची ओकनिये ला हम सोचे, सिंपल बात बा कि ताली दोनों हाथ से बजेला कि हमनी के सपोर्ट करी, जे भी कंपनी होए हमनी ला मरी हमनी के ओकरे ला मरे। बबलू सोनी गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो बबलू, जे हमनी ला ई करी जे हमनी ला मरी, चाहे कौन कंपनी हो, छोट कंपनी हो या बड़ कंपनी हो, हमनी के सिंगर ला बनल बनी, हम सिंगर के आगे बढ़ावनी, हमनी के ई चाहे कि हाँ अब हमरो चंपारण से कोई हीरो निकले, ताकि हमनियों के मोतिहारी के नाम रोशन हो, चंपारण के सब जगह के हीरो लोग बा, लेकिन कमी ये बा कि अपना में कमी बा बाहर के सिंगर लोग। आ जितना भी हमारी सिंगर के वीडियो के देखत रहन, भूल के भी कोनो कंपनी के साथ एग्रीमेंट मत करी, कोनो कंपनी के साथ ना, जे रौरा बारे में सोची दिल खोल के ओकरे बारे में सोची ना कि एग्रीमेंट। ओ राकेश जी एक लड़की का भी करियर कर दिए मॉडल का, हाँ ज्योति जिसका नाम है, ठीक बा भैया अपन सुनाए, ठीक बाबा वाली गुड मॉर्निंग, मोनल मिश्रा गुड मॉर्निंग, सनी पूरा चंपारण का पब्लिक का जरूर भाई। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा भोजपुरी को बर्बाद किया है वो है RCM म्यूजिक ही है। आप लोग इस चैनल का विरोध कीजिए जरूर, और जितना भी भाई के वीडियो जे सब्सक्राइब कर ले बस सब अनसब्सक्राइब करी, काहे कि ऊपर खाली खाली अश्लील गाना पर खाली अश्लील गाना मिली अपने लोगों के, काहे कि ओकरा सिर्फ पैसा से मतलब रहेला और कुछ ना, कौन जियता मरता। आ धनंजय क्या मिठू के डेरवा डेरवा के ओकर शोषण करत रहे, लेकिन अब शोषण बर्दाश्त ना होई, नोटिस में भेजले बा 50,000 महीना देते हैं, 50,000 का महीना बोलूँ हम देते हैं, आपके पास प्रूफ है 50,000, बोलते हैं लड़का से बेटा यहाँ साइन कर दो, ये तुम्हारे आने जाने का भाड़ा है, साइन करवा लेते हैं, ना पढ़ा लिखा लड़का है वो, पढ़ा लिखा नहीं है ना, आप साइन करवा देते हैं ना? जब वो लोग अश्लील गाना नहीं गा रहे तो जबरदस्ती लोग पे कि नहीं तुमको जबरदस्ती वो ये कर रहे हैं कि बोलो नहीं तुमको गाना होगा, तुम्हारा एग्रीमेंट है, ये है वो है। तो हम लोग कहने का मतलब है भैया कि देखिए राकेश जी किसी का अध्यक्ष प्रेमी को देखिए, अध्यक्ष प्रेमी गंदा गंदा गाना गा के आज RCM का नाम कर दिया था सबसे प्रिय, और मीठू मार्शल धनंजय धरकन चाह रहा है कि हम RCM से नहीं छोड़ के हम पब्लिक के बीच रहें, अच्छा अच्छा फ्रेश गाना गाएं, जैसे भरत शर्मा गाते थे, देवी गाती थी, कल्पना गाती थी, पवन सिंह गाते हैं उसी तरह, लेकिन फिर भी जबरदस्ती एग्रीमेंट का डर दिखा दिखा के बहुत शोषण कर लिए, लेकिन भैया अब नहीं, अब RCM
से एक भी गाना नहीं आएगा, जो भी पुराना गाना है वही गाना आएगा। तो हम चाहेंगे कि हम, मान लीजिए हम छोटे हैं ना, जब बड़े कंपनी से गाना जाएगा तब आएगा मजा। काहे कि जब, अगर ये मोबाइल है, इस ये मोबाइल है, अगर इस मोबाइल को हम खरीद लें, अगर मेरे ऊपर इस अगर हमसे बड़ा दबंग आदमी इस मोबाइल पे भिड़ जाए कि नहीं मोबाइल हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो दबंग इस पे भिड़ा है उससे भी दबंग को मोबाइल दे देंगे कि लो भाई समझो, बस वही वाली बात है भाई। सही होता है भाई, सही सही होता है, सच्चाई की कभी हार नहीं होती है। बड़े तो वो अपने लिए, आप बिल्कुल बेहिचक आगे बढ़िए, ये लोग आपको दबाना चाहते हैं। हाँ भाई एकदम सही बात है, मिथिलेश कुमार चौबे, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग भाई, एकदम सही बात है कि हम आगे बढ़ेंगे, किसी के रोकने से नहीं रुकाएंगे, किसी के रोकने से हम नहीं रुकने वाले हैं। हम अब मीठू मार्शल धनंजय धड़कन से अश्लील गाना नहीं गवाएंगे, इसके लिए चाहे सर कटाना पड़े, जेल जाना पड़े, जहां जाना होगा जाने जाएंगे, लेकिन अब नहीं। बहुत आप कर लिए, मेरा गाना उठा उठा के कंपनी हिट कराने के चक्कर में कई अपने औधेश प्रेमी को गाए नहीं एकदम, जिस दिन इतना फालतू फालतू गाना गवा के कंपनी हिट करवाए, आप का हो गया, काहे नहीं औधेश प्रेमी आपके गा रहे हैं। आरसीएम को बनाने वाला पहले मिठू मार्शल ही है। जी भाई मिठू मार्शल ही है, लेकिन आज के डेट में मिठू मार्शल अश्लील गाना नहीं गाया है। पिछले साल एक भी अश्लील गाना वो नहीं गाया था, सैड सॉन्ग गाया, सैड सॉन्ग ही गाता था। मेरे स्टूडियो का जो भी गाना देखिए सैड सॉन्ग है, लेकिन इस कारण वो मिठू मार्शल को मानना छोड़ दिए। वो सीधे खुलेआम बोलते हैं कि मेरा कंपनी अवधेश प्रेमी के दम पे चल रहा है, क्योंकि अवधेश प्रेमी अश्लील गाता है, सिर्फ अश्लील गाना गाता है वो। 14 नौकर, अरे भाई बवाली देखो, ऊपर वाला बानू सब देखेला, हमरा पता चलल है। हाँ एक बात और, एगो हमार छोट भाई बा गुड्डू बवाली, हाँ एकदम विवेक, जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आरसीएम म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं अनसब्सक्राइब करें, और अपने अपने यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को डालें। सभी भाई से अनुरोध है, क्योंकि वो जो अगर अश्लील मुक्त बनाना है तो आप आरसीएम को अनसब्सक्राइब करें। अभी उसका एक और गाना रिलीज होने वाला, उस दिन शूटिंग हो रहा था, अगर आप सुनिएगा तो आपके मुंह से अभद्र ही निकलेगा उस सिंगर के बारे में। उस सिंगर का नाम है शैलेश प्रेमी की, शैलेश सागर करके, झारखंड का लड़का, इतना रफ गाना गा के वीडियो बनवाया है और कि पूछिए मत। और हाँ एक अभी एक बात बता रहे थे कि मेरा एक छोटा भाई है गुड्डू बवाली, जिसका स्टूडियो चलता है, उसका भी उसके भी चैनल को स्ट्राइक मार के उड़ा दिए। तो हमारे पास इतना प्रूफ है, आज भी हमको धमकी मिला है आरसीएम कंपनी से, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आज अगर अवधेश गा रहा है तो मिठू भैया का देना, नहीं तो वो मिक्सिंग करता था। हाँ बबलू एकदम सही बात है, मेरे ही दोस्त का एक स्टूडियो था, सावन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया, उसी में वो मिक्सिंग करता था, ये बात एकदम सही है। जब इंसान आगे बढ़ता है तो कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ता है, आप इस सब चक्कर में ना पड़ के आप हमेशा आगे बढ़िए, डरने की कोई बात नहीं है। क्या मिठू मार्शल धनंजय धड़कन एग्रीमेंट बनाए हुए हैं ये बताइए? बनाए तो थे, जो बात फैक्ट है मैं आपको बताता हूँ, बनाए तो थे, लेकिन एग्रीमेंट में उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा था कि मैं इतना पैसा दूंगा, आज तक एक चींटी नहीं दिए हैं, एक गाना हिट होने पे मैं आपको फिल्म दूंगा था। आज तक भोजपुरी का एक सिंगर सिंगल का सबसे सुपर हिट गाना अगर किसी का है तो वह है धनंजय धड़कन पिया हो परदेश में, 97 मिलियन, 9 करोड़ व्यू, भोजपुरी का सिंगल एक ऐसा सिंगर है जिसका हुआ है, क्या हो गया फिल्म उसका, 20 गाना मार्केट में हिट हुआ, आज तक फिल्म नहीं मिला, तो उसके आना पैसा मिलता है, तो उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्यों उसके साथ करेंगे। एक ही बात है, आरसीएम हिट करने वाला मिठू मार्शल से ही हुआ है, जरूर बात है, लेकिन वो मिठू मार्शल के भी नहीं हुए हैं। नंबर दीजिए शैलेश का, जरूर विवेक नंबर हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, उसका वीडियो रिलीज हो जाने दीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा और नंबर दूंगा, आप बात कीजिएगा। बिहार में किसी को बन, अब क्या कीजिएगा, अब जो प्यार से नहीं समझ रहा है, आप भी उस दिन लाइव आके बोले हम भी लाइव आए, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो अब इसका कुछ बड़ा एक्शन लेना होगा। हम आपके साथ हैं भैया, आरसीएम वाले के घर
गाने में गोली मार दिया जाएगा जरूर सुनील, बस इसी तरह प्यार दो। और जसवा तो हरामी है भाई, वो नहीं सुधरने वाला है। जय श्री राम अनिल प्रेमी यादव भाई, आरसीएम को रिपोर्ट मारिए। जरूर भाई जरूर, एकदम मारा जाएगा पब्लिक अवधेश प्रेमी को हीरो। एकदम सच, थैंक यू सनी सिंह, बहुत अच्छा बात बोले कि अवधेश प्रेमी क्या, धनंजय धरकन, मिठू मार्शल, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, कोई भी हो, सब पब्लिक के प्यार से ही आज अपने अपने जगह पे हैं, पब्लिक को प्यार देते हैं। अवधेश प्रेमी हीरो बनेंगे, दांत का बोलिए पहले जाके ऑपरेशन कराएं। खत्म हो गया वो एग्रीमेंट, क्यों पायलट नहीं हुआ, कंडीशन है का। हाँ बस सही बात बोले, क्योंकि वो एग्रीमेंट में जो जो किए आज तक नहीं किए, बस डरवाते हैं कि तुम दूसरे कंपनी से गाएगा, केस कर देंगे, ये कर देंगे। वो गरीब घर का लड़का है, मेहनत करता है, अपने माँ बाप का कष्ट दूर करना चाहता है। धनंजय धरकन को भैया देखिए, कोई भी सिंगर हो बहुत गरीब घर से बिलोंग करता है, आज मान लीजिए कि आज उसका नाम है भैया, मार्केट में चल रहा है, आप लोग का प्यार दुलार मिल रहा है, उसके पास भी माँ है, पापा है, भाई है, उसको तो जब इसी लाइन से जीना है रहना है तो उसका भी तो फर्ज बनता है भैया कि कुछ करे, कि बस आरसीएम को कमा कमा के दे और अपना पेट पूजा कर ले। और जैस प्रेमी बहुत गलत है, थैंक यू भाई, हम आपके साथ हैं। मनीमन तोष कुमार पिया हो परदेश का भी वर्ष 97 मिलियन है जी, आलोक कुमार 97 मिलियन है, दिल्ली हम आओ ना ना भाई, वो दिल्ली में रहकर हमारे बिहार को बदनाम कर रहा। हाँ बवाली एकदम सही बोल रहे हो, भाई कुछ नहीं, उसका ये लाइव पिटाई वीडियो बनेगा विवेक, डलाएगा यूट्यूब पर, और कुछ नहीं, बस वो यही चाहिए रहा है। कोई एग्रीमेंट तब मान्य होता है जब उसमें लिखा हुआ सारे बात का पालन हो, खत्म हो गया ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लिखा कुछ गया और उन लोगों के साथ हुआ, एकदम। और वही बार बार धमकी देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये वो डिस डैट, कहने का मतलब है कि कानून हमेशा सत्य के साथ देता है, कानून हमेशा सत्य का साथ देता है, हम लोग के पास भी प्रूफ है, आज तक वो एग्रीमेंट का पेपर नहीं देते हैं, डरवा डरवा के रखे हुए हैं। और देशवा का उल्टा गिनती शुरू हो गल बा, जरूर ओकर सेटिंगो बहुत जल्दी हुई, वीडियो देखे ला मिली, हमारे चैनल से आई ओकर वीडियो, अब नहीं के मानत था। हम आपके साथ हैं भाई, आगे बढ़े, भगवान का दुआ करेगा। आर सी एम वाले के देखिए, अरे भाई देखिए मृत्युंजय मार्शल, आर सी एम वाला खाली आप कहाँ हैं, मैं अभी दिल्ली में हूँ भाई। सुनील कुमार यादव आप अच्छे इंसान हैं भैया, हमको पता है, थैंक्स सुनील कुमार यादव, क्या हाल है भैया, ठीक है मुन्ना मुस्कान, गुड मॉर्निंग भैया शशि प्रीतम, गुड मॉर्निंग, गाली दीजिए आरसीएम को, गुड्डू बवाली, माधर चोद है प्रेमी, मनी मंतोष कुमार, मोतिहारी कब आना है, कल परसों में वो जाए, कहीं नहीं जाएगा। हाँ भाई कुछ नहीं होगा, भाई लोग का प्यार है तो हमको कैसे कुछ हो जाएगा, उसका क्या औकात है। धनंजय को धनंजय सोया हुआ है, क्या कि रात को गाना गाया है, बहुत साफ सुथरी गाना है, अब किस कंपनी से आएगा मैं नहीं बताऊंगा। सुबह 6 बजे हम लोग सोए थे, हम तो टाइम दिए थे कि लाइव आना है, अभी मेरा आँख देखिए चढ़ा चढ़ा नींद आ रहा है हमको भी इसलिए, लेकिन मैं उसको भी वादा किया था तो मैं लाइव लेके आया था और उसको भी लाइव लेके आऊँगा, अभी सो के उठ जाएगा तो फिर, अभी मिठू नहीं है हम लोग के पास, कुछ काम से गया है, तो हम तीनों फिर अपने टाइम में डालूंगा और तीनों के आईडी से लाइव आऊँगा मैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक मेरा दोस्त का पैसा लेकर गाना को रिलीज नहीं किया आरसीएम, देवी गीत था, बाद में उसे सॉन्ग दूसरे से रिलीज करवाया, बस उसका ये काम है, पैसा लेगा गाना नहीं रिलीज करता है, बस पैसा उसको चाहिए और कुछ नहीं। भाई बिहार और भाई बिहार अश्लील मुक्त बनाइए, जरूर जरूर अश्लील, जरूर बिहार अश्लील मुक्त बनेगा, नो डाउट इसमें। और देश प्रेमी अगर आप लोगों का साथ नहीं देना तो एक दिन उसका कुत्ता का हाल होगा, अवधेश प्रेमी का। अब भाई देखिए उसका लाइफ है, कुछ भी करे वो सुपर स्टार है, बोलता है हम सुपर स्टार, ये नहीं जानता है कि सुपर कि हम पहले का थे, मिक्सिंग करते थे या सुपर स्टार बनाने वाला लोग ही है,
सुपर स्टार लोगे बनाता है, जूता स्टार भी पब्लिक के बनाता है। अगर उसको पता नहीं, आरसीएम के राकेश सिंह के बेटी को, आरसीएम के राकेश सिंह के बेटी को। अच्छा, सच्ची बात किसी को कड़वी लगती है भैया, एकदम सही बात। अनिल कुमार, अनिल प्रेमी, हाय, हैप्पी न्यू ईयर भाई 2019 आपको भी। देखिए राकेश जी, अब नहीं होगा, धमकी नहीं, आपको केस करना है आप केस कीजिए। हम अपने भाई को अब आरसीएम से नहीं गाने देंगे, अब अश्लील गाना नहीं गाएगा। आपको अश्लील गवाना है, आप दिल्ली में बैठे रहते हैं, लेकिन उन लोग को घर जाना पड़ता है। उन लोग के ऊपर अगर किसी प्रकार का कुछ होता है तो आप क्या करते हैं? शशिलाल यादव को जो अश्लील मुक्त वाले लोग ये किए थे, आप क्या किए? फोन लगाएं, बात किए कि हाँ, राकेश कुमार गायक राइटर को, राकेश कुमार गायक और राइटर को आज तक कुछ भी नहीं दिया एकदम। ये बिरजू बवाली राइटर है, मिठू मार्शल के गाना लिखते हैं ये लोग, बताइए। मेहनत करके गाना लिखते हैं नाम कमाने के लिए, और मान लीजिए कि मेहनत करता है, एक रुपया आज तक किसी भी राइटर को राकेश जी ये नहीं बोले होंगे कि हाँ मिठू ये तुम्हारा राइटर है, इतना पैसा लो, राइटर को दे दो कि तुमको अच्छा अच्छा गाना लिखे। बस उनको फ्री में पैसा आना चाहिए। मैंने गाना दिया था रिलीज कराने के लिए, अच्छा मैटर था, वो आरसीएम वाला ने दूसरे गवा दिया घोड़ा के चुन तो वो यही करते हैं। अब आप पहले मेरे बात का जवाब दीजिए कि आप जब शशिलाल यादव को जब वो लोग ये किया था तो आप कितना बार फोन किए थे राकेश जी? मिठू मार्शल चाहे धनंजय दर्गन को आप एग्रीमेंट कर लिए हैं, आप बोलते हैं कि मेरा एग्रीमेंटेड सिंगर है, क्या करते हैं? आज के डेट में अगर आप उन लोग से अश्लील गवाइएगा, मोतिहारी जाएगा, कहीं जाएगा, कोई पब्लिक उसको कुछ बोल देगा तो वहाँ इज्जत आरसीएम के मालिक राकेश कुमार का नहीं जाएगा, वहाँ मिठू इज्जत मिठू मार्शल और धनंजय धरकन का, जो सौरभ ईश्वर नहीं होने देगा, क्योंकि वो दोनों को दिल में रखता है, कभी नहीं होने देगा। आप अपने कमाने के लिए किसी का इज्जत नहीं देखेगा, और देश प्रेमी को इज्जत नहीं है तो क्या मिठू मार्शल और धनंजय धरकन को भी इज्जत नहीं है? नहीं गाएगा अश्लील, नहीं गाएगा आरसीएम से, जाइए कीजिए केस, कीजिए एकदम दिल खोल के केस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिल खोल के केस कीजिए। आप केस कीजिएगा, आपके पास आपके आरसीएम के दो चार लोग गवाह होंगे, लेकिन मेरे पास पूरा चंपारण का जनता है जो मेरा साथ देगा। अब नहीं चलेगा आपका रंगदारी, आपका बात करने का तमीज, आप गाली देते हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप मिठू और धनंजय को बैठा के गाली देते हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वायरल करेंगे हम उसको। आप धमकी देते हैं कि लाइफ खराब कर देंगे, राकेश से पंगा लिया तो पटक के तोड़ दूंगा, सब है मेरे पास, आइए कोर्ट कानून में हम दिखाएंगे कि आप एग्रीमेंट करके। सिंगर सबको बोलते हैं कि राकेश से पंगा लिया तो पटक के तोड़ दूंगा, धमकी देते हैं गरीब लड़का को, कोई नहीं था पहले उसके साथ, अब हम हैं उसके साथ, नोटिस भिजवाए हैं, भिजवा दीजिए जेल, भिजवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात मत बढ़ाइए राकेश जी, आप बात को मत बढ़ाइए, मेरा गाना उठाने का कॉपी मत कीजिए, आप अपना गवाइए, खुद बजिए, हम अपना गवाएंगे, हम अपने बजेंगे। आप तो कहते हैं बोलू कि अवधेश प्रेमी मेरा ये है, तो जब मिठू मार्शल और धनंजय दर्गन दूसरे कंपनी से गा रहा है तो क्यों फट रहा है आपका? क्यों नहीं गाएगा? एक भी अश्लील गाना हम नहीं गाने देंगे, चाहे जो हो जाए, एक भी फालतू गाना नहीं गाएगा, और आरसीएम में नहीं गाएगा। आरसीएम अश्लीलता बंद करे, उसका जो जो एग्रीमेंट आज तक किए हैं पूरा करे, तभी अब आरसीएम से गाएगा। और सुन लीजिए राकेश जी, एक अश्लीलता गाना हम नहीं गवाएंगे, एक गो नहीं। अब जो जो धमकी दिए हैं हमको ना, सब मेरे फोन, हम आपको गाली दिए हैं गाली, लाइव आके बोल रहे हैं कि हम आपको गाली दिए, आप रिकॉर्डिंग करते हैं आप जाके। हाँ, एक बात और भाई लोग, कि मेरा एक फ्रेंड है यहाँ जो मेरे कंपनी के लिए डिजाइनिंग विजाइनिंग करते हैं, तो हम लोग उनके स्टूडियो से चार को गाना गवाए थे, जो गाना बहुत मेरे पास फोन आ रहा है, और अरिया से, बिहार से, एकदम अश्लील मुख था, मैं लाइव भी आया था मिठू और धनंजय को लेके, कि मार कर रहे कार्य पत्र की, एकदम अश्लील मुक्त गाना है, एंजॉय सॉन्ग है, तो मैं उसके स्टूडियो से गाना गवाया था, तो उसको फोन करके इतना गाली दिए हैं राकेश जी
धमकी दे रहे थे कि मेरे एग्रीमेंटेड सिंगर को तुम कौन हो तो वो गंवाने वाले, इतना गंदा गंदा गाली उसको। बेचारा कमजोर लड़का स्टूडियो चलाता है, हम पैसा दिए उनको, पैसा दे के गवाए, धमकी देते हैं वो कि तुम रखवा रहा है, ये कर रहा है। तो मैं आपके दरवाजे पे थोड़े गया था, मैं आपके कंपनी में थोड़े गया था, मेरा भाई है वो, मेरा उससे दिल मिला, हम गए उसके पास रहे, आपका क्यों फटा? मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? आपके रोकने से काम को दिल्ली में रहने का जगह नहीं है का? इतना औकात नहीं है कि हम रूम ले लें? हैं आप तो, आप जिस फ्लैट में रहते हो आपके पैसा का है, वो मीठू मार्शल के कमाई का है, धनंजय धड़कन के कमाई का है, और पैसा घर बना रहे हैं आप। आप क्या करते थे? आपको बनाने वाले आपके भैया हैं, नीरज भैया जो रहते हैं पटना में, आप क्या करते थे? हैं क्या किए हैं आप? पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी लाइव आके बोले का? संभल जाइए, लास्ट चेतावनी है। इसके बाद अगर मेरा एको गाना रिलीज हुआ तो अब अवधेश प्रेमी अब गावत हुआ बस लील, 50 को भाई को कहेंगे लाइव आके गाली दो उसका, उसको चल ऐसा चलना मुश्किल है। प्रोग्राम करे ना, कहा नहीं करता है प्रोग्राम, मोतिहारी में बेतिया में करे प्रोग्राम। अवधेश हुआ हो गया है राकेश कुमार का बेटा, चैन दिया है गिफ्ट करके भाई, एक और बात सुनिए, चैन दिया है, चुरा चुरा के उसको पैसा देता है, कहता है कि बोलू एग्रीमेंट सिंगर है अवधेश प्रेमी, संजीवनी एक कंपनी है, उससे गवा रहा है, कहा नहीं उस पर केस कर रहा है। तो वो बेटा है, वहां एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन SS फिल्म के लिए दोनों भाई मेरा गाना गा दिया तब एग्रीमेंट सिंगर हो गया। आप बताइए किसके साथ वो गलत कर रहे हैं, किसके साथ वो गलत कर रहे हैं? ये गाना दिया पब्लिक साथ में, ब्रो नो टेंशन, शशिलाल यादव अच्छा इंसान है भैया, एकदम गुड, मैं इस चीज़ को मानता हूँ भाई। सोनी सिंह सुपरस्टार पब्लिक बनाए हैं तो जूता स्टार भी बनाएंगे पब्लिक जल्दी, एकदम जरूर भाई। भैया आप हमको नंबर दीजिएगा साले, जल्दी साले रकेशवा को दिल्ली में ही रेल पेल कर दे रहे हैं। राहुल सिंह राकेश चोर है, जरूर एकदम 100% चोर है, पूरा जिला आपके साथ है, बिल्कुल सही, थैंक्स विवेक, बिल्कुल राइट भैया। कुमार छोटू गुप्ता जी जय हो, जितेंद्र ठाकुर, अनिल प्रेम यादव सुनाया भैया, टाइम आएगा भाई सब कुछ होगा, मोतिहारी बुलवाओ भाई, मोतिहारी बुलवाइए उसको, टी सीरीज उसको वेब और TF अगर चढ़ जाए तो RCA म्यूजिक गया, चाह दे तो RCA म्यूजिक गया। एक और बात, चंपारण के गायक शोषण करना छोड़ दीजिए राकेश जी आप, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। शुभम श्रीवास्तव हाँ सुने थे, गाना अच्छा था, मस्त बा मस्त बा मस्त बा। दिल्ली राकेश के बाप का थोड़ी है कि जगह नहीं मिलेगा। हाँ भाई, भाई नंबर दो, आर पार के लड़ाई होगा, औकात नहीं है, औकात नहीं है उसका, जरूर अभी नहीं करें, हम लोग साथ हैं। जो मेरे मोतिहारी के शेर, धनंजय धुरकन सुपर स्टार सिंगर सबसे बड़ा, पवन पड़वाना लगातार गाए मिठू धनंजय SS फिल्म से, जरूर गाएगा भाई, बस प्यार दीजिए आप लोग, दिल्ली हिला कर रही है एकदम बवाली, दिल्ली हिल गया है, अब का हिलाएं, बहुत बढ़िया, अश्लीलता रोक पूरी तरह रोक लगना चाहिए। MD कादिर दोगला है RCM कंपनी, सुपर जियो भैया। हाँ तो सुनिए, वो क्या करते हैं, अवधेश प्रेमी को चैन देते हैं, दूसरे कंपनी से पैसा ले लेके अवधेश प्रेमी का घर पे घर बनवा रहे हैं, और ये सबको किसी कंपनी से नहीं गाने दे रहे हैं, सबका जो है उसी तरह रहता है, ऐसा होता है भैया? आप ही लोग बताइए, आप ही लोग से मेरा ये सवाल है। धनंजय जी को गाना चलाना चाहिए भाई, आप सही हो, थैंक्स भाई, SS फिल्म मस्त है, सिंगर शशिलाल भी एग्रीमेंट तोड़ेगा, अब वो तोड़े या नहीं तोड़े उनका लाइफ है, मैं ओकर माई के बवाली का ओकर माई के। तो देखिए, इसके भी चैनल को स्ट्राइक मार देते हैं, सब लड़का को मेरा वीडियो चढ़ाया था, एक मेरा भाई है DJ प्रकाश, DJ विकास का अपना भाई है, उसके चैनल को ब्लॉक मार दिए, मेरे पीछे वो हाथ धो के पड़ गए, लेकिन आपके लिए एगो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रखता होगा, अगर मेरे एक वीडियो से मेरे दोनों भाई का लाइफ बन जाए तो ऐसा ऐसा 50 वीडियो सौरभ ईश्वर कुर्बान कर देगा, समझ में आया, 50 वीडियो।
हाँ एक बात और, आरसीएम के एक मैनेजर हैं मुकुंद मणि, महा दोगला है आरसीएम वाला, हमको बोले, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मैं उनका इज्जत करता हूँ, वो भी मेरा इज्जत करते हैं, हमको बोले कि सौरभ भाई आपको एक भी गाना रिलीज नहीं करना है, सच्चाई सुनिए, मैं प्रूफ दूंगा कि आपको वीडियो नहीं रिलीज करना है। बोले ठीक है मैं वीडियो नहीं रिलीज करूंगा, आप सारा MP3 हटा दीजिए, देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने सब कुछ हटा दिया। ए भाई विवेक, एक बार बोलिए अश्लीलता के बारे में, राकेश को चैलेंज करिए कि उसका जितना औकात है लगा ले, कुछ नहीं हो सकता। देखो विवेक, वो है पैसा का ही, उसको पैसे से मतलब रहता है, कौन क्या गा रहा है। अभी बताओ, अभी वो गाना एगो गरवाया था कि बोलो पूजवा की इंजन करे, वो कहाँ मान रहा है, जब बड़ा बड़ा सिंगर को हम लोग समझा रहे हैं वो छोटे छोटे से गवा रहा है, वो अपना पैसा कमाने के लिए किसी हद तक जा सकता है, उसको पैसा से मतलब है। अगर आज के डेट में हम आज बताएं कि आरसीएम से कितना रफ रफ गाना आज रिलीज हुआ है, 1 मिनट बताते हैं, लॉक खोल के फोनवा दीजिएगा। मैं आप लोग को दिखाता हूं कि आज के डेट में आरसीएम से कितना अच्छा अच्छा गाना रिलीज हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं सवाल करने लगूं, मैं तो, हमको बोले आपको गाना नहीं गवाना है, मैंने बोला चलिए ठीक है मैं गाना नहीं गवाऊंगा, आज रिलीज हुआ है गाना। हाँ वो बस बोलना ही भर है, फोन पे बोल देगा लेकिन उसको पैसा से मतलब है, उसको बिल्डिंग पे बिल्डिंग पर, उसको बिल्डिंग पे बिल्डिंग। देखिए जोबना जूस के दुकान हो गई, आरसीएम से रिलीज हुआ है, कहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको बैक कैमरा खोल के दिखा रहा हूँ, देखिए गाना आज रिलीज हुआ है आरसीएम से। ब्राइटनेस बढ़ा दो। हाँ रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज गाना रिलीज हुआ है, अपन छोटकी बेटी मन्नत को भेजो ना मेरे पास पैसा है। देखिए गाना रिलीज हुआ है आरसीएम कंपनी के, जोबना के जूस के दुकान दुकान हो गई, ये आया है आरसीएम म्यूजिक से, सामान फटी जाएगा, दीपक दीवाना है, 9 बजे के टाइम में ही लगाए हैं गाना। देखिए रिलीज होने वाला केकर लड़का खेलावत आरु मैडम, अगर ये गाना मेरे गाना से मैच हो गया तो दीपक दबंग कौना स्टूडियो है, इनका सारा स्टूडियो गिरियम निकाल देंगे, आई धो के मारेंगे इनको हम, देख के रुसल बाड़े, माजा बॉयफ्रेंड से माजा बॉय, देखिए यही वो गाना है जो SS फिल्म से रिलीज हुआ था, देखिए चढ़ाया है 17 घंटा पहले, सिर्फ अपने चैनल को सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए। देखिए सूत जाला जोबना के पूज राजा जी, गाना सुनते रहिए, आरसीएम कंपनी है ये महान कंपनी। ओमे ठोक देम किला, गाना सुनिए कथी में सो किला ठोकी है, देखिए अभी का अभी देखिए, आरसीएम बहुत बड़ी कंपनी अपने आप को समझती है। देखिए लिखा हुआ गाना ओमे ठोक देम किला, यही लोग चैनल के सब्सक्राइबर लोग सुने, गाना सुनिए, देखिए गाना सुनिए,
देखिए नेट का जितना सुनिएगा खाली अश्लीलता होगा। देख रहे हैं, देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर को नहीं छोड़ा है सर। देखिए एक बात और, मेरे लाइव आने के लाख मना करने के बावजूद देखिए धनंजय का वो गाना रिलीज कर दिए हैं कि कॉलर शादी से पहले रियाज हो। इसमें इसमें बदनामी पब्लिक का ही, धनंजय का ही हो रहा है। ये थोड़े पब्लिक जानता है कि आरसीएम वाले अभी उसका बहुत ऐसा वीडियो करा करा के रखे हुए हैं, बहुत ऐसा वीडियो करा करा लिए हैं उसको डरवा के धमका के अपना चैनल को हिट कराने के लिए। अब उसका वीडियो आएगा तो मेरे जितने भी भाई हैं हम चाहेंगे कि आरसीएम चैनल को अनसब्सक्राइब करें। उसका कोई भी गाना है खोल के मत देखें, क्योंकि अब सारा गाना वो एडल्ट गाना गाता है, और जो चंपारण में अश्लीलता फैलाना चाहता है, जो भी हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनके चैनल के गाना को सुनिएगा। क्या करे वो उमर ठोकरम किला मिठू मार्शल के सॉन्ग का कॉपी है थर्मामीटर की, हाँ भाई वही है, तो वही सभी गाना वो रिलीज करता है। अगर आप लोग को अश्लीलता फैलाना है तो खुल के आरसीएम का ये देखिए। अगर आपको चाहते हैं कि अपना बिहार अश्लील मुक्त बने तो आप आराम से क्या कीजिएगा, नहीं देखिएगा उस चीज को। और हम नहीं डरने वाले हैं राकेश जी, आपके उनके के उनके के उनके उनके आ जाएंगे ना, फिर भी हम नहीं डरेंगे। जब फरियाना है फरियाइए, राजमंगल जी कहाँ हैं, सब तो ऊ करते हैं। देखिए हमको राजमंगल जी से क्या मतलब है, राजमंगल जी का इसमें कोई गलती नहीं है, ना राजमंगल जी किए हैं, राजमंगल जी से हमको, अगर हम खुद मालिक रहे, अगर मेरे अंडर कोई काम करेगा तो हमारा ही ऑर्डर मानेगा, कहा कि वो लोग का ही है। और हम बहुत जल्द एक ऑडियो भी वायरल करेंगे जिसमें हमको आरसीएम कंपनी से धमकी मिला है कि हम वीडियो नहीं रिलीज करने देंगे, चैनल उड़ा देंगे, ये वो। मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्डिंग है, तो हम भी कोर्ट कचहरी जानते हैं, हम भी कचहरी देखे हुए हैं। ऐसा थोड़े है कि कचहरी सिर्फ उन्हीं का सुनेगा कि मेरा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में किया हुआ वादा तब भी देखेगा ना, सब फॉल्स होगा, वो दंड भी भरेंगे। बस आप लोग प्यार गाली हमार तो गाली साफ नॉन स्टॉप जाला बवाली ना, एक बार प्यार से समझा देनी कि एक बाद अगर कोनो गाना चढ़ गया तो अभी तो बेटिए बेल है, अब उनका खानदान के बायोडाटा निकाल के लाइव आके बोकेम हम ना डेरानी कोनो से, हमारा से दुश्मनी बहुत महंगा पड़ी, हम बहुत इज्जत को लेनी। हाँ आज आरसीएम का जितना भी व्यू गाना हिट व्यू देख रहे हैं सब सौरभ स्टूडियो का गाना है, जितना उसका हाईएस्ट मिलियन वाला गाना सब है ना, सब आपके भाई का स्टूडियो। मैंने क्या नहीं किया आरसीएम के लिए, धनंजय धरकन को आरसीएम में भेजने वाला यही सौरभ ईश्वर है। उस सिंगर को वीडियो के लिए इतना गाली दिए थे राकेश जी, मैं जानता हूँ, समझे, लेकिन अब नहीं, जब हम भेजे हैं तो हम ही उस चीज़ से उसको मुक्त कराएंगे, इसके लिए चाहे जो हो जाए। बस आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, और वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए कि अगर कान तक की बात पहुँचे या तो चुपचाप इस साइड से हट जाए। अब हम वीडियो बनाओ तो नहीं, एकदम दिल खोल के तोरा स्ट्राइक मार ले, बनाओ दे हम शेयर करो तो नहीं 500 ग्रुप में एक बार में। राकेश आरसीएम के मालिक उसकी बेटी को उठा के आरसीएम के बेटी पर कुछो पर बनाओ भाई, तू तेरा चैनल के स्ट्राइक मार ले, तू आजाद बढ़े जे जस करी, जो जैसा करेगा उसका भोग वही होगा, हमको मत डरवाइएगा धमकाइएगा। आप जो कर रहे हैं कीजिए, हमको जो कर समझ में आ रहा है हम करेंगे, दुश्मनी आप शुरू किए हैं अब अंत हम करेंगे। प्रणाम भैया बाय, वीडियो के इतना से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ एक भाई से अपने लोगों से एक रिक्वेस्ट बाकी, एगो भाई के चैनल चलेगा यूट्यूब चैनल SS फिल्म मोतिहारी, जैसे अब मीठू और धनंजय के परमानेंट ऑडियो वीडियो मिली, हम वीडियो बनवा के रख ले बनी, लेकिन
ओकरा स्ट्राइक के डर से हम अपलोड नहीं करत, लेकिन ज्यादा दिन हम केस लड़े में जीत जाए तो ओकरा बाद वीडियो कोई झाट थोड़े उखाड़ लेगा, तो हम वीडियो केस करें, केस लड़ेम, जीत होई, जीत हमेशा सच्चाई के होखेला। वीडियो रउरा लोग इनके मिली MP3 हाई क्लास टॉप क्लास लेवल गाली प्रमोद प्रेमी जी। तो राकेश अपने बेटी के साथ ट्रिपल एक्स वीडियो बनाए, हम देंगे 20 लाख। सतीश कटरिया, राकेश जी के हिला में हिला के रख दे भाई। जय हो आइए म्यूजिक, जय हो यूरोटेक फिल्म, जियो जियो। पूरे जिला के युवा से निवेदन है कि सब अनसब्सक्राइब कर RC म्यूजिक चैनल को, देखो सुना कर जाइए। हाँ तो सुन लो जब बवाली, तो कहे के मतलब है कि अगर अब प्यार से ना मानिए, लास्ट बोलो तो इनके भैया अपने के एगो भाई के चैनल पर SS फिल्म मोतिहारी, ओकरा जरूर सब्सक्राइब करी, इतना सब्सक्राइब करी, इतना प्यार है दुलार दी कि ओकरो बुझाए कि हाँ कोई ओकरो बाप बैठल बा ऊपर सौरभ ऐश्वर यार, गाँव फाड़ दे हम RCM के, तू हमारा साथ इनके दुश्मनी कैलक है, ये हमारा इतनी उम्र बुझेला, बाप बहुत बड़ बहुत दिमाग बुझेला, तो उसे ज़्यादा दिमाग हे में बा। तू देख तोर RCM मार्केट में एगो गाना ना बाजी दी हम सौरभ ऐश्वर, तू गंदा गवैबे तोर गाना ना बजाई, जोन बजाई जोन गाई ऊ पिटाई, कोई सिंगर हो और देश प्रेमी हो तो वो खैहन तोरा बहुत ओकरा दम पर ई बानू कि अवधेश प्रेमी मेरा कंपनी हिट करा देगा, अश्लील गाएगा तो खाएगा, आपको हिम्मत होगा आप रोक लीजिएगा, आप अश्लील गवा गवा के घर पे घर पिटवा रहे हैं, आ सिंगर सबको प्रोग्राम, सिंगर सबको प्रोग्राम, सिंगर सिंगर सबको प्रोग्राम मिलिए नहीं रहा है, प्रोग्राम करिए नहीं रहा है, तो उसका रोजी रोटी कहाँ से चलेगा, प्रोग्राम करने जाएगा पिटाने जाएगा तब दिल्ली से आइएगा बचाने, कोई को प्रोग्राम आप साल में दिलवाते हैं दोनों को, तो नहीं हमको बताइएगा, कोई को प्रोग्राम आज तक दिलवाए होइएगा आप, अब तो आपको तो RCM चैनल से व्यूअर से आपका नाम हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं वो सब, आप गंदा गाना गवाइएगा, धनंजय जाएंगे प्रोग्राम में कोई पकड़ के पीट दिया तो क्या कीजिएगा, आपका इज्जत जाएगा, क्या कीजिएगा, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से केस करेंगे, दो थप्पड़ कोई मारिए देगा तो उसका इज्जत आप रिटर्न कर दीजिएगा का, हाँ अवधेश प्रेमी तो आप तो चोरा चोरा के पैसा देते हैं 50,000-60,000, कहते हैं अवधेश प्रेमी चैन दिए, हैं तो कहिए ना तो प्रोग्राम करके दिखाएं, हाय राकेश जी आपके पिछवाड़ा में दम, अपना बाप के ओरिजिनल बेटा हैं, तो अवधेश प्रेमी को बोलिए मोतिहारी में प्रोग्राम करके दिखाएं, उसका क्या औकात है मेरा क्या औकात हम दिखा देते हैं, और आपका औकात नाप देंगे हम, है दम, कहिए बेतिया में प्रोग्राम करने के लिए, करेगा करेगा प्रोग्राम, वो करेगा, करवा सकते हैं आप प्रोग्राम, आपके औकात के बाहर का चीज है देश प्रेमी से प्रोग्राम करना, आ गए हमारे राधे भैया ऑल्सो ब्रांड का भाई का हाल बा, RCM बंद होना चाहिए, अश्लील गाना उसके स्टूडियो से ज्यादा है, नहीं गाएगा सतीश, हम आपसे उस दिन भी आपसे वादा किए थे कि अब उस दिन लाइव भी लाके बोल दिए कि अब एक भी गाना मिठू मार्शल धनंजय धरकन का नहीं, असली लाएगा, और बहुत अच्छा बात है कि जब दोनों साइड सॉन्ग आता है तो आप लोग का बहुत प्यार मिलता है, हम ये कहते हैं कि देखिए मार्केट में कम रहिए लेकिन प्यार ज़्यादा ही कीजिए, साइड सॉन्ग गाएगा आप लोग का प्यार दीजिएगा, आप अपना प्यार बनाए रहिएगा, RCM वाला अपने बेटी के साथ मेरा वीडियो बनवा देना, हम देंगे जितना लेगा, बेड सीन होना चाहिए। तो वही हम कह रहे हैं कि बताइए आपको, हम कह रहे हैं कि आप लाइव, आप अवधेश प्रेमी को कब प्रोग्राम कर रहे हैं, फोन कीजिएगा हमको, नंबर आपको दे हम अपना, फोन कीजिएगा, आपके पास है ना नंबर, आपने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डर के कारण रखे हैं, व्हाट्सएप पे ब्लॉक किए हैं डर के, हिम्मत है तो बताइए ना, कॉल कीजिए ना, कीजिए कॉल, नहीं है दम, आवाज नहीं निकलने देंगे, मुंह नहीं चलने देंगे आपका, मुंह बंद कर देंगे आपका, नहीं समझ में आ रहा है, आप बिल्डिंग पर बिल्डिंग ठुकवा रहे हैं दिल्ली में, आए थे दिल्ली में तो रहेला घर रहे घर नानू, आज छः वो बिल्डिंग बन गए, कहाँ से चोरी करते हो, डकैती, मनीत कुमार आप धनंजय धरकन का नाम नहीं ले, वो अब अश्लील नहीं गाएगा ना गाता है, आप टेंशन फ्री में रहिए धनंजय धरकन से, अवधेश प्रेम को जो करना है,
नहीं देखिए, अविनाश आर्या अलबेला शो का भी अश्लील गाना आ रहा है, तो मेरी उससे बात हो गई, वो भी लाइव आके बोल दिया, उसका कुछ वीडियो है, तो जब खुद हम लोग के सपोर्ट में आ गया है। तो छोटू सिंह शिकारी, इनका भी चैनल को स्ट्राइक मार दिया था बुढ़वा। अगर मैं गिनवाऊं तो वो यूट्यूब के दम पे इतना लोगों को डरवाता है, धमकाता है। हमको फोन किए थे, छपरा के हैं छोटू सिंह शिकारी, फ्रेंड है मेरे साथ, बहुत मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हमको फोन किए थे कि आरसीएम वाला मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दिया। भैया उस सबके साथ यही करता है, प्यार पाना है तो अश्लील बंद कीजिए एकदम। जरूर कहिए उसको कि बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सीवर, दम है तो प्रोग्राम करवाए और देशों का धुआं निकाल दूंगा। नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा, कहाँ से करेगा। उसको राकेश जी चोरा नुका के पैसा दे देता है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग ठोकवाता है, मिठू मार्शल धनंजय दर्पण को ठिकाना नहीं देता है। आज के डेट में कहता है अश्लील गाओ, अश्लील गाएगा, प्रोग्राम देने जाएगा तो राकेश जी पीछे पीछे घूमेंगे। कोई भी पब्लिक, एक जब खेसारी भैया के साथ घटना घट सकता है, तो ये लोग कौन खेत के मूली है। हम भी डर से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है माधव चोर। भाई आप मेरे रिप्लाई नहीं किए, क्या बताइए, आपका क्या सवाल था सुमित कुमार मिश्रा जी, बस अश्लीलता बचा रखिए। जरूर एम डी, जरूर धनंजय धरखन, हम सब आपके साथ हैं, कोई गलत बयानबाजी ना कर। भाई भाई धनंजय, और अब वो नहीं गाएगा कोई अश्लील गाना। ओके भैया जी, हम सब, हम तो सुबह होते ही आरसीएम को भजन सुनाते हैं, बेटी बहन जिया बवाली, जिया लव यू। मेरा भी कंपनी है, स्ट्राइक मार दिया आरसीएम वाला, काट कर रख देंगे। बताइए देखिए कितने लोगों को वो रुलाता है, कितने लोगों को वो रुलाता है, देखिए आपके सामने कितने लोगों को स्ट्राइक मारता है और अश्लील गवाता है। तो हम चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा शेयर करें, बहुत टाइम हो गया है, थोड़ा काम में निकलना भी है। तो अभी हम दिल्ली में हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यार और दुलार दें। छपरा में उसका कंपनी का कोई भी सिंगर का प्रोग्राम नहीं होने देंगे मेरा, एकदम थैंक यू भैया छोटू भाई, एकदम नहीं होने दीजिए। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए, हम बोलो इतना ही जानते हैं। बस भैया प्रणाम, चलो तनी तनी काम बा, बस अपन प्यार और दुलार दी। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम, जय श्री राम। चंपारण अश्लील मुक्त बनेगा तो बनेगा।